हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेकरम मैजिक आर्ट। और आज हम बनाने जा रहे हैं हार्ट शेप की फोटो फ्रेम। तो इसके लिए हमें चाहिए व्हाइट मेकरम, रेड मेकरम, पिंक मेकरम और 10 इंच की हार्ट शेप की दो रिंग्स, पुश पिंस, सीजर एंड लाइटर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं ये फोटो फ्रेम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने फोटो फ्रेम के लिए ऐसे कुछ फ्लावर्स बनाने होंगे और मैं अभी आपको ये बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बड़े फ्लावर से जो कि रेड वाला है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2.5 मीटर के 5 रेड कॉर्ड्स। हमें सबसे पहले इसको सेंटर में ऐसे फोल्ड करना है एंड इसका जो ये सेंटर है, हम यहाँ पे एक सिंगल नॉट लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, अच्छे से इसको टाइटली लगाना है एंड मैं यहाँ पे इसको एक पुष्पिन से प्लेस कर देती हूँ। अब हम अपना दूसरा एक कॉर्ड लेंगे, ये भी 2.5 मीटर का ही है। इसको भी हम सेंटर में ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमें यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉर्ड में 1/2 इंच नॉट से सिक्योर करना है। एक बार फिर से हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, एंड इसको टाइटली सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हमें इसी कॉर्ड से सेकेंड वाली को भी 1/2 इंच नॉट में सिक्योर करना है। इसको ऊपर ले लीजिए एंड इस तरह से घुमा के इसको अंदर ले लीजिए, एक बार, फिर दो बार ऐसे। इस तरह से हमें 3 और कॉर्ड्स जोड़ने हैं, जिसका मतलब है हमें टोटल इसमें 5 कॉर्ड्स लगेंगे, एक सेंटर पे और बाकी 4। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। हमने ये सेंटर कॉर्ड पे ऐसे 4 कॉर्ड्स अटैच कर लिए हैं और इसके बाद अब हमें पहला पेटल बनाना है। सो पहला पेटल बनाने के लिए हम सबसे ये टॉप कॉर्ड लेंगे सबसे पहले और ये बाकी बचे हुए कॉर्ड से इस पर पाइपिंग करेंगे। सो आपको करना ये है कि आप ये कॉर्ड लीजिए, रैप इट ओवर, उसके बाद इसको निकाल लीजिए बाहर ऐसे, एक बार, दूसरी बार, ताकि वो अपनी जगह पर सिक्योर हो जाए। ऐसे ही हम ये बाकी 3 कॉर्ड से भी करेंगे। एक बार, दूसरी बार, इसको हमें यहाँ पे एक और बार कंप्लीट करना है। सो आप फिर से एक टॉप कॉर्ड लेंगे और ये बाकी के कॉर्ड से उस पर पाइपिंग करेंगे। हमें यही प्रोसेस इस साइड भी रिपीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस साइड भी इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमें ये 6 कॉलम्स ऐसे बनाने हैं। अब हमारे ये पेटल कंप्लीट होने के बाद हमें ये जो 2 कॉर्ड्स बचे हैं, इसकी मदद से इसे यहाँ पे टाइटली ऐसे ज्वाइन करना है ताकि ये उभरा हुआ एक शेप आ जाए। सो आपको लेफ्ट कॉर्ड को राइट कॉर्ड के नीचे रखना है एंड इसमें भी पाइपिंग करनी है इस तरह, एक बार अच्छे से टाइटली इसे बुनाए एंड दूसरी बार।
तो ये जुड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, एंड हम इसी के बाद राइट साइड पे सारे पेटल्स को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हमें राइट साइड से सेकंड पेटल स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट कॉर्ड था जिससे हमने पाइपिंग की थी, उसको हम इस तरह से प्लेस करेंगे और ये बाकी बचे हुए कॉर्ड से इस पे पाइपिंग करेंगे। ये जो लास्ट के दो कॉर्ड्स हैं, इन्हें हमें इतना टाइट नहीं बुनना है, इन्हें थोड़ा सा हमें लूज रखना है ताकि जो हमारे पेटल्स हैं उनमें थोड़ा गैप दिखे। ये देखिए, हमें अपने सेकंड पेटल में भी 6 कॉलम्स बनाने हैं, तो हम इसका ये एंड का कॉर्ड लेंगे और इसके ऊपर भी हम पाइपिंग करेंगे। अब ये 3 कॉलम ऐसे बनाने के बाद हमें तीसरे कॉलम के जो ये सबसे पहले जो ये ऊपर की टॉप कॉर्ड है, यहाँ पे हमें एक सिंगल नॉट लगानी है। ऐसे एकदम पास में टाइटली इसको लगाएं। अब ये जो कॉर्ड है, अब हमें इसे इस तरह प्लेस करके इस पे पाइपिंग करनी है। हम 3 कॉलम्स ऑलरेडी बना चुके हैं, हमें 3 कॉलम्स और बनाने हैं जिससे हमारा पेटल कंप्लीट हो जाए। अब हम ये टॉप कॉर्ड लेंगे, ऐसे प्लेस करेंगे और इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। तो देखिए, हमारी सेकंड पेटल भी बनके तैयार हो गई है। जैसे हमने फर्स्ट वाली को यहाँ बीच में ज्वाइन किया था, हमें वैसे ही सेकंड वाली को भी करना है। हम पहले की तरह ही लेफ्ट कॉर्ड को राइट के नीचे लेंगे और इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। अच्छे से इसको टाइटली बुनिए ताकि ये ऐसे बीच में ज्वाइन हो जाए, एक बार एंड दूसरी बार। ये देखिए, इसमें भी ऐसे उभरा हुआ शेप आ गया है। 2 पेटल बनने के बाद हमें इसे टोटल हमें 5 पेटल्स बनाने हैं और हम राइट साइड पे ही ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 ये पेटल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब बस हमें ये जो फर्स्ट और लास्ट पेटल है उसे हमें बीच में ऐसे ज्वाइन करना होगा ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। उसे ज्वाइन करने के लिए हमारा जो ये लास्ट कॉर्ड था जिस पर हमने पाइपिंग की है, इसे हम पीछे पलटेंगे ऐसे, और इस वाली कॉर्ड को घुमाकर इस कॉर्ड से ऐसे ये कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। अच्छे से इसको टाइटली बुनना है फ्रेंड्स, जितना आप टाइट कर सकते हैं उतना। ये देखिए, पीछे से ये ऐसे दिखने लगेगा। अब ये जो बाकी की कॉर्ड्स हैं, हम इनमें भी ऐसे सिंगल नॉट्स लगा लेंगे।
आप जितना टाइटली बुने ये उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ये जो पीछे के नॉट्स हैं वो आगे ऊपर की तरफ दिखें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आगे से कुछ इस तरह का दिखेगा और हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। अब ये जो हमारे बाकी के बचे कॉर्ड्स हैं इसे हमें फिलहाल काटना नहीं है, ये हमें फ्रेम से अटैच करने में उसको मदद करेंगे। और अगर जो कॉर्ड्स बच रहे हैं उससे हम ये बीड्स बना सकते हैं। सो ऐसे में हमारा कोई भी कॉर्ड वेस्ट नहीं होगा और आपका ये फूल बन के तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये मीडियम साइज का फ्लावर बनाना है। सो इसके लिए हमें चाहिए 4 मेक्रम कॉर्ड्स जो कि हैं 2-2 मीटर के। हम बड़े वाले फ्लावर की तरह ही इसको भी ऐसे सेंटर में फोल्ड करेंगे और उस फोल्ड पे हमें एक सिंगल नॉट लगानी है। अच्छे से इसको टाइटली गुथें। ये हमारा सेंटर कॉर्ड है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब इस सेंटर कॉर्ड पे हमें 3 कॉर्ड अटैच करने हैं हाफ इंच की मदद से। इसे भी हम सेंटर में फोल्ड करेंगे। अब इस फर्स्ट कॉर्ड पे हम हाफ इंच की मदद से इसको अटैच करेंगे, जस्ट रैप इट ओवर। इस तरह से हमें ये पहले की तरह ही 2 बार इसको गुथना है ताकि वो अपनी जगह पे सिक्योर हो जाए। ये देखिए, फर्स्ट कॉर्ड में किया, यही चीज हमें सेकंड कॉर्ड में करनी है। अच्छे से इसको टाइटली गुथें। ऐसे ही हमें 2 और कॉर्ड्स अटैच करनी है, जिसका मतलब हमें टोटल 3 कॉर्ड्स इसमें अटैच करनी है सेंटर वाले पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 3 कॉर्ड्स इसमें अटैच कर दिए हैं। अब जैसे कि हमने उस बड़े फ्लावर में पूरे 6 कॉलम्स बनाए थे, हमें इसमें केवल 4 बनाना है। इसका मतलब है ये 2, एक इस साइड और एक इस साइड। तो चलिए बनाते हैं। हम ये टॉप कॉर्ड लेंगे, उसको ऐसे प्लेस करेंगे और इन बाकी की 3 कॉर्ड से उस पर पाइपिंग कर देंगे। ऐसे ही हमें इस साइड भी करना है। हम ये टॉप कॉर्ड लेंगे और बाकी की 3 कॉर्ड से उस पर पाइपिंग कर देंगे। तो हमारी ये मीडियम साइज्ड फ्लावर की एक पेटल बनके तैयार हो गई है। अब इस पेटल को हमें बीच में ऐसे ज्वाइन करना है। सो पहले की तरह ही लेफ्ट कॉर्ड राइट के नीचे और हमें लेफ्ट कॉर्ड से राइट पे पाइपिंग करनी है। अच्छे से टाइटली इसको बुने। ये हमारा एक पेटल बनके तैयार हो गया है। अब जिस कॉर्ड से हमने पाइपिंग की थी हम उसी से हम अपना सेकेंड पेटल पर कंटिन्यू करेंगे। इसे ऐसे प्लेस करें और ये बाकी की 3 कॉर्ड से इस पर पाइपिंग करें। अब ये लास्ट कॉर्ड लेना है, प्लेस इट ओवर और उसके ऊपर हमें बाकी 3 कॉर्ड से पाइपिंग करनी है। अब चूंकि हमें इस मीडियम साइज फ्लावर में केवल 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो हमें सेकंड कॉलम पर ही ये टॉप कॉर्ड लेकर उसमें सिंगल नॉट लगा देंगे।
अच्छे से इसको टाइटली लगा दीजिए। अब स्कर्ट को इस तरह से प्लेस कीजिए और बाकी के बचे दो कॉलम्स भी बना लीजिए। तो देखिए अब हमारे ये सेकंड पेटल भी बन के तैयार हो गया है। फर्स्ट पेटल की तरह ही हम इसके एंड को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। हमें इसमें भी ये लेफ्ट कॉर्ड को राइट के नीचे रखना है और उसको टाइटली ऐसे पाइपिंग कर देना है। ये देखिए इसी तरह हमें अपने बाकी के पेटल्स भी कंटिन्यू करना है। बड़े वाले फूल की तरह इसमें भी 5 पेटल्स बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ये मीडियम साइज फ्लावर भी बनके तैयार हो गया है। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले को ज्वाइन किया था पीछे की साइड, हमें वैसे ही इसमें भी करना है। ये लास्ट वाली कॉर्ड को हम पीछे की तरफ इस तरह लेंगे एंड दूसरे साइड की पहली कॉर्ड से उसको पाइपिंग कर देंगे। ध्यान रखिए कि आपको इसे अच्छे से टाइटली बुनना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये नॉट्स आगे की तरफ शो हों। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये फूल भी बनके तैयार हो गया है और पहले की तरह ही हम इन कॉर्ड्स को अभी ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि वो फ्रेम में अटैच हो सके। तो फ्रेंड्स अब हम पहले ही दो साइजेस के फूल बना चुके हैं। अब बारी सबसे छोटे साइज की। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 मेक्रम कॉर्ड्स 1.5 मीटर की। इसे भी हम पहले की तरह सेंटर में ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे एक सिंगल नॉट लगाएंगे। इसे हम यहां सिक्योर कर देते हैं। अब ये जो हमारी सेंटर कॉर्ड है इसमें हमें 2 कॉर्ड्स अटैच करनी है। इसे भी हम सेंटर में ऐसे फोल्ड कर चुके हैं। हम पहले की तरह ही इस कॉर्ड को भी 1/2 इंच नॉट से इसमें अटैच करेंगे। अब हम ये दोनों कॉर्ड्स अटैच कर चुके हैं। हमने जैसे पहले के फूल की पेटल्स में किया था हमें इन दोनों के एंड को भी ज्वाइन करना होगा। लेफ्ट कॉर्ड को राइट कॉर्ड के नीचे लीजिए और उसके ऊपर उसकी पाइपिंग कर दीजिए। अब हम सेकंड पेटल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट कॉर्ड है उसे ऐसे प्लेस कीजिए और इसके ऊपर बाकी 2 कॉर्ड से हमें पाइपिंग करनी है। चूंकि हमारे इस पेटल में केवल 2 ही कॉलम है तो हम यहीं पे एक सिंगल नॉट लगाएंगे। अच्छे से इसको टाइटली लगाइए। अब इसी टॉप कॉर्ड को ऐसे प्लेस कीजिए और बाकी 2 कॉर्ड से पाइपिंग कर दीजिए। ये हमारा सेकंड पेटल भी बनके तैयार हो गया है। इसके एंड को भी हम पहले की तरह ज्वाइन करेंगे। लेफ्ट कॉर्ड को राइट कॉर्ड के नीचे रखें और पाइपिंग कर दीजिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो पेटल्स बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह हमें बाकी पेटल्स भी यहीं राइट साइड से कंटिन्यू करने हैं और ये वाले फूल में हमारे टोटल 7 पेटल्स बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 7 पेटल्स बनके कंप्लीट हो गई हैं। अब पहले के दो फूलों की तरह ही हमें इसको भी ज्वाइन करना होगा। सो इस कॉर्ड को आप ऐसे ले लीजिए ऊपर की तरफ और इधर साइड की लास्ट कॉर्ड से इसके ऊपर पाइपिंग कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ज्वाइन कर लिया ऐसे इस तरह से और ये हमारा फ्लावर पेटल पूरा बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सारे फ्लावर्स बनके रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमें ये बीड नॉट बनानी है। इस बीड नॉट को बनाने के लिए हम उन्हीं कॉर्ड्स का यूज करेंगे जो हमारे फ्लावर्स में से बच गए थे। यहाँ पे मेरे पास करीब एक आधा मीटर का ये कॉर्ड है, इसको हमने सेंटर में फोल्ड किया है और इसको हम ऐसे यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। और ये कॉर्ड करीब मेरे पास 1 मीटर का है, इसको भी हमने सेंटर में फोल्ड करा है। इसे हमें इसके नीचे प्लेस करना है और सिंपल स्क्वायर नॉट्स बनानी है। हमें करीब 6 सिंपल स्क्वायर नॉट्स बनानी है। ये हमारे पास 6 स्क्वायर नॉट्स बनके तैयार हो गई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमें ये करना है कि ये जो हमारा छोटा सा लूप है, इसमें से हमें इन दो कॉर्ड्स को पास करना है। ऐसे पास करने के बाद बस इसे ऐसे पुल कीजिए तो ये एक बीट का शेप ले लेगा। अब इसके बाद इसे सिक्योर करने के लिए हम लास्ट में यहाँ एक और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इस लास्ट स्क्वायर नॉट को आपको टाइटली लगाना है। और बस हमारी ये बीड नॉट बनके तैयार है। इसे हमें अपने फ्लावर्स का ये जो सेंटर में ये होल है, इसे पास थ्रू करना है। और जो हमारी एंड की जो स्क्वायर नॉट थी, उसको भी ऐसे पुल करके नीचे ले आए। इसी तरह हमें बाकी फ्लावर्स के लिए भी बीड नॉट्स तैयार करनी है।
तो फ्रेंड्स अब हमारे फ्लावर के जो पीछे के ये कॉर्ड्स बचे थे इन्हें काट के हमें कुछ चिपकाना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ना एक फ्लावर के कॉर्ड्स पीछे से काट लिए हैं, इसके मैं बीड में हटा देती हूँ। अब हम इसे चिपकाएंगे। ध्यान रखिए अच्छे से इसके नॉट्स बिल्कुल टाइट रहें। इसे हमें ऐसे चिपकाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमने ऐसे चिपका लिए हैं। अब हम हमारा बीड वापस इसमें लगा देते हैं। ये जो बीड के कॉर्ड्स आप देख रहे हैं इन्हीं की मदद से हम अपनी रिंग पे इनको अटैच करेंगे। मैंने बाकी के सारे फ्लावर्स को भी मैंने पूरी तरह इस तरह कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज फ्लावर, 4 सबसे छोटे साइज के फ्लावर और 2 बड़े फ्लावर्स तैयार किए हैं। तो अब हम इन्हें रिंग पर अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे 10 इंच का हार्ट शेप का रिंग। इस पर हमें अपने सभी फ्लावर्स को अटैच करना है। उसके लिए आप इसको ऐसे पलट दीजिए ताकि इसको जोड़ने में आसानी रहे। अब आप जो ये 4 कॉर्ड्स देख रहे हैं इन्हीं की मदद से हम इसको अटैच करेंगे। आपको सिंपली इसको पाइपिंग करनी है। ये पहला जो इसमें नॉट लगाएंगे वो ध्यान रखिए कि वो अच्छे से टाइटली बुना होना चाहिए। हमें चारों कॉर्ड्स को ऐसे ही बुनना है। तो देखिए अब हमारे ये फ्लावर ऐसे अटैच हो गए हैं। हमें बाकी के सारे फूलों को भी इसी तरह अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम अपने सभी फूलों को अटैच कर चुके हैं इसमें। मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी दूसरा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो ये कॉर्ड्स बचे हैं इन्हें हमें काट के यहाँ बेस पे ऐसे चिपकाना है।
आपको इसी तरह बाकी सारे फूलों के कॉर्ड्स को भी चिपकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने सारे फ्लावर्स को चिपका चुके हैं। हमने इन सबको चिपका के ऐसे सिक्योर कर दिया है। अब हमें यहाँ बाकी के इस एरिया में ऐसे बीड नॉट्स बनाकर लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पहले ही कुछ बीड नॉट्स अटैच करके रखी है। हमने जिस तरह पहले फ्लावर के लिए बीड नॉट्स बनाई थी तो उसमें हमने 7 नॉट्स लगाई थी, लेकिन हमें इस बार केवल 5 नॉट्स लगानी है। एंड इसको अटैच करने के लिए आप इस तरह ऐसे नीचे रखेंगे और पहले की तरह ही ये जो लूप है हमारा, इसमें से ये 2 कॉर्ड्स को पास करना है। इस तरह से ऐसे पुल कीजिए और ये हमारी बीड नॉट यहाँ पे अटैच हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो इस रीजन की हमने बीड नॉट्स लगाई हैं तो इसमें हमने ये कॉर्ड्स छोड़े हैं, लेकिन जो इस रीजन की हैं इसमें हमने कॉर्ड्स वहीं काट कर ऐसे चिपका दिए हैं। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हमारा जो पीछे का फ्रेम लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक केवल अटैच होगा। हम इतना एरिया ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हम अपनी फोटो को उसमें डाल सकें। ऐसे ही यहाँ पर बीड नॉट लगाने के लिए आपको उसी तरह इसको प्लेस करना है और इस लूप से ये 2 कॉर्ड को पास करना है। अब ये जो आप कॉर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, ये 4 कॉर्ड्स, हमें इसे यहीं पर काट कर इस तरह से चिपकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बीड नॉट बनके तैयार है। हमें ऐसे ही इस पूरे रीजन को फिल करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखिए अब हमारी ये सारी बीड नॉट्स लगकर तैयार हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा फर्स्ट फ्रेम कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें अपने फोटो फ्रेम का बैक पार्ट बनाना है। इसके लिए मैंने रेड मेक्रम के 20 कॉर्ड्स लिए हैं 2.5 मीटर के। इसे हमें अपने फ्रेम में अटैच करना है यहाँ पर, इस तरह से आपको ये नॉट लगानी है। अब ये राइट कॉर्ड लीजिए, ऐसे लूप बनाइए एंड पास थ्रू इट। ऐसे ही लेफ्ट कॉर्ड के साथ
अच्छे से इसको टाइटली बुनिए। इसी तरह हमें अपने बाकी के कॉर्ड्स भी इसमें अटैच करने हैं। तो देखिए अब हम सारे कॉर्ड्स अटैच कर चुके हैं। इसके बाद अब हमें सिंपल स्क्वायर नॉट्स लगानी है। हम ये चार कॉर्ड्स लेंगे और इसमें एक सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। इसी तरह हमें बाकी सभी कॉर्ड्स में भी स्क्वायर नॉट्स लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने अपनी स्क्वायर नॉट्स की पहली रो बना ली है। इसके बाद हमें अपनी सेकेंड रो कंटिन्यू करनी है। उसके लिए आप ये दो स्क्वायर नॉट्स के बीच में से ये चार कॉर्ड्स लेंगे और इसमें एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। हमें पूरा पैटर्न अपना ऑल्टरनेट स्क्वायर नॉट से कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये स्क्वायर नॉट्स यहाँ तक लगा लिए हैं। पहले ये मैंने आपको ये 20 कॉर्ड्स बताई थी लेकिन हमने यहाँ पे दो कॉर्ड्स और ऐड किए ताकि ये जो फ्रेम का कर्व है वो पूरी तरह से फिल हो सके, उसमें कोई गैप ना बचे। अब यहाँ पे जो हमारी ये फ्रेम है इसको भी हमें साथ में कवर करते हुए चलना होगा, इसलिए ये जो लास्ट के ये दो कॉर्ड्स हैं इससे हम इस पे फ्रेम पे पाइपिंग करेंगे। एक बार ऐसे ऊपर से और एक बार नीचे से। हमें दूसरी कॉर्ड से भी यही करना है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। हमें फ्रेम के दोनों साइड यही करना है ताकि हमारी फ्रेम कवर हो जाए। और इसी तरह हमें अपना बाकी का पैटर्न भी कंटिन्यू रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारे ये बैक फ्रेम बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कुछ कॉर्ड्स हैं वो छूट रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा फ्रेम है उसका साइज यहाँ पर आकर छोटा हो गया। आपको भी अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग इस पैटर्न को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम अपने बैक फ्रेम को फ्रंट फ्रेम से अटैच कर देंगे। तो अब हमारी फ्रंट फ्रेम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने पहले कॉर्ड्स छोड़े थे उन्हें भी हमने काट कर चिपका दिया है क्योंकि हमारी जो बैक फ्रेम है उसमें ऑलरेडी कॉर्ड्स छूट रहे हैं। अब हम इसको बैक फ्रेम से अटैच करेंगे। हमें केवल इतने पार्ट को ही अटैच करना है ताकि ये जो है इतना एरिया ओपनिंग के लिए रहे हमारी फोटो के जाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कॉर्ड्स हैं जो इस तरह से कॉर्ड्स छूटे हैं वो इस फ्रेम में हमें पाइपिंग करनी है। बीच बीच में से हमें उसे निकालना पड़ेगा यहाँ पे बीच में से। आपको सिंपली इन कॉर्ड्स को उस पर रैप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अब इस साइड की सारी कॉर्ड्स को इस तरह इसमें लपेट दिया है। सिंपली इसको बस ऐसे हमने रैप किया है। अभी जो कॉर्ड्स हैं इन्हें हमें इन स्क्वायर नॉट्स के बीच में से निकालना है।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये सारे कॉर्ड्स इसमें ऐसे पीछे की तरफ निकाल चुके हैं। ये देखिए इस तरह से आपको इसे टाइटली ही पुल करना है, लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों जो फ्रेम है वो अलाइन हो। अब ये जो चार कॉर्ड्स हैं, ये चार चार के कॉर्ड्स हमने इसे सेट बना के निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें एक स्क्वायर नॉट लगानी है। तो देखिए अब हमने इन सभी कॉर्ड्स में स्क्वायर नॉट्स लगा दिए हैं इस तरह से, और यही पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है। हमें दूसरी साइड भी सभी कॉर्ड्स को ऐसे ही अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपना फ्रंट फ्रेम अपने बैक फ्रेम के साथ अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बाकी सभी कॉर्ड्स को ऐसे काट कर यहाँ पे स्क्वायर नॉट बनाकर उसे चिपका दिया है। मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये जो हमारी स्क्वायर नॉट है इसे हमें यहीं पे सिक्योर करना है। तो हम ये जो कॉर्ड्स हैं इन्हें काट कर इसके पीछे की तरफ चिपका देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इन बाकी की दो कॉर्ड्स को भी हम काट कर ऐसे चिपका देते हैं। अब ये जो हमारी स्क्वायर नॉट है इसको भी हम यहाँ बेस से अटैच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये वैलेंटाइन डे स्पेशल फोटो फ्रेम बनकर तैयार है। ये है इसका फ्रंट, बैक एंड इसकी ओपनिंग। आप भी अपने समवन स्पेशल को ये बनाकर गिफ्ट कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेकर मैजिक आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।